सो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल कलाकार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक से पैसे कैसे कमा सकते हैं और फेसबुक से पैसे कमाने का क्या तरीका है। फिलहाल ये जो पेज आप इस समय देख रहे हैं मेरे मोबाइल फ़ोन में ओपन है, business.facebook.com। जब आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो जो क्रिएटर्स होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उनके लिए जो पेज खुलता है वो होता है क्रिएटर स्टूडियो, यानी कि यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो होता है। उसी तरीके से जब आप फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं या फेसबुक पर काम करना चाहते हैं, क्रिएटर होते हैं, तो उनके लिए फेसबुक की ये साइट खुलती है क्रिएटर स्टूडियो। अब बात करते हैं कि आप फेसबुक से पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको पता ही है कि फेसबुक पर कितने ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। आपको 5 बिलियन प्लस जो इनके ऐप डाउनलोड हैं, वेबसाइट पे लोग लॉगिन रहते हैं, और मतलब पूरी दुनिया ही इस समय आप कहें तो फेसबुक पर है इस समय। तो फेसबुक से भी पैसे कमाए जा सकते हैं और उस पर अपनी चीज़ें पब्लिश करके, अपना कंटेंट डाल करके भी कई तरीके होते हैं पैसे कमाने के, वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बेसिकली आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, और आप जो भी पेज, आपने बहुत सारे पेजों को लाइक कर रखा होगा, ग्रुप को आप ग्रुप में ज्वाइन हो रखे होंगे, तो ग्रुप में आप ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं। जो फेसबुक पे पेज आपने लाइक किया होगा, तो कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो कि डेली पोस्ट करते हैं, चाहे वो अपना कुछ लिखने का काम करते हों या कुछ फ़ोटोज़ डालने का काम करते हों या वीडियोज़ डालने का काम करते हों। तो जिस तरीके से जब लोगों की इंगेजमेंट वहाँ पर बढ़ती है, जब लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं, तो जब ट्रैफिक वहाँ पर आता है, तो उसका यूज़ करके अगर आप अपने फेसबुक पेज पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने फेसबुक पेज पर वीडियोस आपकी वायरल होने लगती है, जब लोग वहाँ पर इंगेजमेंट आने लगती है, लोग देखने लगते हैं, तो वहाँ से अपने वीडियोज़ में आप ऐड वगैरह लगा सकते हैं। तो देखिए फ़िलहाल जनरली मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा कि यहाँ पर कौन से जो फेसबुक के तरीके से तीन तरीके हैं, जिन तीन तरीकों का ऑफिशियली आप इस्तेमाल करके यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। फिलहाल क्रिएटर स्टूडियो के आप देख सकते हैं ऊपर में मेरे पास पेज जो सिलेक्टेड है वो है टेक्निकल कलाकार, मेरा फेसबुक का पेज है जो इसी चैनल के नाम से मैंने बताया। और अभी फिलहाल इस पेज पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए देख सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अभी जो व्हाट इज़ डोमेन का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका मैंने यहाँ पर शेयर किया था, लेकिन ज़्यादा काम नहीं। फिलहाल मैं दूसरे पेज पर इसमें काम कर रहा हूँ, तो आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 4-5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कंटेंट लाइब्रेरी, इनसाइट, इनबॉक्स, मोनेटाइजेशन, राइट्स मैनेजर, क्रिएटिव टूल, सेटिंग्स, रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जब आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं, जैसे मोनेटाइजेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है और आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली तीन तरीके हैं, इन स्ट्रीम एड्स, ब्रांडेड कॉन्टेंट, पे आउट सेटिंग और पॉलिसी। तो तीन तरीके हैं फिलहाल फेसबुक पे पैसे कमाने का। तो यहाँ पर मेरे कुछ पेज शो हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं मेरा एक पेज है और इस पेज का नाम आप देख ही सकते हैं, और ये पेज फ़िलहाल एलिजिबल हो चुका है, अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको दिखाऊंगा आपको अप्लाई करके कि कैसे मैं अप्लाई करने वाला हूँ ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर आप चीज़ें समझ लीजिए, जो टेक्निकल कलाकार का पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तरीके हैं। पहला है इन स्ट्रीम एड्स का, दूसरा है ब्रांड कोलैब्स मैनेजर का, और तीसरा है फैन सब्सक्रिप्शन का। यानी कि सबसे पहले अगर आप अपने फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे फेसबुक पर बहुत सारे लोग अपना अपना कंटेंट डालते हैं। अगर कंटेंट कॉपी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप दूसरे का कंटेंट कॉपी करके डालते हैं, वही कंटेंट सेम डालते हैं, तो वो ज़्यादा वायरल नहीं होगा या ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। और हो सकता है कि अगर फेसबुक को पता चलेगा तो वो ब्लॉक भी कर सकता है आपका चैनल और पेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको भी मतलब नहीं। अगर आपका खुद का पेज है, अगर आप मतलब कुछ वीडियो बनाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आगे आने वाले समय में आपका पेज सिक्योर रहे और आप जो है उस पर रेगुलर काम कर सकें और अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो तरीका है वो है ब्रांड कोलैब्स मैनेजर का, यानी कि इसका मैं पहले क्राइटेरिया आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया होता है इसको। ब्रांड कोलैब मैनेजर का मतलब ये होता है कि जैसे आपका फेसबुक पेज है और आप वहाँ पर रेगुलर पोस्ट करते हैं, चाहे वीडियो डालते हो चाहे फ़ोटो डालते हो, जैसे भी है, लोग वहाँ पर इंगेजमेंट लोग आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं,
जो आपके नीड से रिलेटेड के ब्रांड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई डॉग्स से रिलेटेड एक फेसबुक पेज है जिसमें आप डॉग्स के बारे में बताते हैं, कितने कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी वीडियोज़ डालते हैं या उनसे रिलेटेड कंटेंट डालते हैं कि खाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं या कितने कितने तरीके के हैं वगैरह वगैरह। तो जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड जो बड़े बड़े पेज हैं या जो ब्रांड्स वगैरह हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करें। जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है या डॉग्स के लिए जो फूड अवेलेबल कराते हैं, ऐसे कोई बड़ी कंपनियां हैं, तो वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट सप्लाई करें अपने कस्टमर्स को ढूंढें। तो फेसबुक एक बहुत अच्छा मीडियम है क्योंकि यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस होती है। यानी अगर कोई कुत्तों का पेज है, मतलब जो डॉग्स हैं, अगर आपने उनका पेज बना रखा है और जो डॉग्स लवर हैं तो वही आपके पेज को लाइक करेंगे, और अगर आपने ग्रुप बना रखा है तो जो पेट से रिलेटेड है वो वहाँ पर बातें होंगी। तो कुल मिलाकर आपके पास स्पेसिफिक ऑडिशन होती है, उनका एक मतलब तरीका होता है, मतलब क्या होता है कि उनको पता होता है कि हाँ ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए है वहाँ पर। तो जो ब्रांड्स होते हैं जो वो अपना प्रमोशन करवाते हैं, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि मुझे कुत्तों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और अगर वो ब्रांड मुझसे कहेगा कि आप कुत्ते के लिए वाला बिस्कुट ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, इससे आपका जो डॉग है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, तो मैं क्यों लूँगा, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ही नहीं हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती है कि आपका एंगेजमेंट कितना है और उसी टाइप के लोग हैं या नहीं हैं। तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, फिर चाहे आप किसी भी टाइप का पेज बना सकते हैं, फिर आप क्लोथ से रिलेटेड बना सकते हैं आप, और आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि आप उनका प्रमोशन कीजिए और बदले में वो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करेंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से होता है ब्रांड कोलैप्स मैनेजर का। लेकिन हालांकि इतना आसान भी नहीं है कि जितना आप सोचोगे, बस आप फेसबुक पे आए और पेज बनाया और दो चार वीडियो कहीं से कॉपी करके डाल दी, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा जेन्युइनली। लेकिन अगर आप डेफिनेटली काम करते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए, फॉलोवर्स जो कम से कम फॉलोवर होने चाहिए, आपको यहाँ पर पूरा शो नहीं कर रहा है, तो 1000 फॉलोवर होने चाहिए ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए आपके पास। यानी कम से कम आपके पेज पर 1000 लोग फॉलो कर लेने चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अवेलेबल होते हैं। और उसके साथ साथ क्या क्या है, इंगेजमेंट की बात करें तो लास्ट के 60 दिनों में, यानी कि लास्ट के 2 महीने में 15000 पोस्ट इंगेजमेंट होनी चाहिए। यानी आप जो पोस्ट डालते हैं उस पर 15000 पोस्ट इंगेजमेंट होनी चाहिए, या फिर अगर आप वीडियोज़ डालते हैं तो लास्ट के 60 दिनों में 180000 मिनट अक्रॉस ऑफ ऑल योर वीडियोज़, मतलब सभी वीडियोज़ को मिला करके 180000 तक मिनट जो है वो वीडियोज़ आपका देखा जाना चाहिए। या जो तीसरा है वो अगर 3 मिनट या इससे ज़्यादा की जो वीडियो है वो 1 मिनट तक आपके 1 मिनट तक जो देखी जानी चाहिए, कितने 30000 बार देखी जानी चाहिए 1 मिनट वीडियो, तब आप जाके कहीं इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया आपका ब्रांड कोलैब मैनेजर। दूसरा हो गया आपका इन स्ट्रीम एड्स, यानी आप जो फेसबुक पे वीडियोस कुछ देखते होंगे, ऐसे वीडियो ने जो लोकल कहीं से भी उठा के डाल दिया ऐसे वैसे नहीं, जो आप अच्छे ऑथेंटिक पेज देखते होंगे, जो बड़े बड़े पेज हैं जो मोनेटाइज होते हैं, जब आप 8-10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो कोई देख रहे हैं तो 3-4-5 मिनट या जब भी वो ऐड लगाना चाहें तो एक बीच में एक छोटा सा ऐड आता है, 8 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी है, तो वो ऐड आता है। ऐड आने के बाद फिर आपका वीडियो दोबारा से चालू होता है, तो वो होता है इन स्ट्रीम एड्स। तो इन स्ट्रीम एड्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, आपके पास कम से कम 10000 फॉलोवर्स होने चाहिए। इन स्ट्रीम एड थोड़ा सा हाई क्वालिटी का है, तो यहाँ पर 10000 फॉलोवर्स होने चाहिए आपके पास, और 3 मिनट से ज़्यादा के जो वीडियोज़ हैं वो 1 मिनट तक 30000 बार देखे जाने चाहिए लास्ट के 60 दिनों में, तो आप इन स्ट्रीम एड्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट आता है तो वो होता है फैन सब्सक्रिप्शन का। ये क्या होता है, ये फेसबुक आपको ऑटोमेटिक देता है, इसके लिए फ़िलहाल कोई अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है। ये फेसबुक जेन्युइन पेजों को देता है जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, जिन पर एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, ब्रांड कोलैबोरेशन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब ओके हो जाता है। उसके बाद जब लास्ट में ये फैन सब्सक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है वो फेसबुक खुद आपको देता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, और ये मैं चाह रहा था कि मैं आपको बता दूं। फिलहाल मैं एक पेज पे काम कर रहा हूं, उसके बारे में डिटेल आपको आगे बता दूंगा, और अभी मैं यहां पर आपके साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, और उसमें आप देख सकते हैं मेरे एक फेसबुक पेज का जो इनसाइड है वो मैंने इसमें दिखाया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्लियर भी दिखा दूंगा, अभी तो सिर्फ मैं यहां पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब आप आएंगे तो वहां पर मैं आपको फुली दिखा दूंगा
कि ये ऐसा कुछ फेक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यार फेक लगा रखा है, तो फेक नहीं है, जेन्युइन है। वो आपको रिफ्रेश करके मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कैसे कैसे आपको बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों पे काम कैसे करना है, वो भी हम डेफिनेटली आगे की वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 10 मिनट से ज़्यादा की, तो मैं नहीं चाहता आप बोर हो जाएँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए नीचे भी यहाँ पर पूरा दिया है, इंस्टी मैच के लिए 10,000 फॉलोवर होने चाहिए, 3,000, और जो ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए 1,000 फॉलोवर, 15,000 पोस्ट इंगेजमेंट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। करंटली इनवाइट्स ओनली, जो फैन सब्सक्रिप्शन के लिए, तो एलिजिबिलिटी जो है वो फेसबुक ही करता है अप्लाई। ओके सो गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और कैसे आपको अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे यहाँ पर, है ना। तो टिल देन मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।